पहले तो जिस तरह टीवी में आपको प्यार मिलता है, आज भी देखता हूँ सबसे ज़्यादा प्यार आपको मिलता है, और ऐसे अवार्ड की शाम में आना कितनी गर्व की बात है। मेरे लिए ये पहला है इंडियन दिल्ली स्ट्रीमिंग अवार्ड्स, मैं कभी स्ट्रीमिंग अवार्ड्स में पहले नहीं आया हूँ। इंडियन दिल्ली अवार्ड्स होस्ट किए हैं, जीते हैं, बट इस बार अपने शो को लेके आए नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड सीजन 2, एंड द शो इज बीन नॉमिनेटेड इन वेरियस कैटेगरीज, एंड बड़ी खुशी का माहौल होता है जब आपकी सारी टीम को यू नो सराहना मिलती है इंडस्ट्री से, पीयर्स से। यार सच कहूँ, एक आर्टिस्ट काम किस लिए करता है, थोड़ा सा प्यार मिल जाए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल जाए, और घर में खाने को अच्छा खाना आ जाए। सो आई थिंक ऑल ऑफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक इनकरेजमेंट इन एनी फॉर्म रियली गोज अ लॉन्ग वे इन कीपिंग द आर्टिस्ट। मैं अपने बेटे से, वो हालांकि 1.5 साल का है, पर जब मैं उसकी जिंदगी को लेके क्यूरियोसिटी देखता हूँ, नेचुरल क्यूरियोसिटी, यू नो वांट्स टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, फाइंड न्यू थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है उसे, द जॉय ही फाइंड, आई वांट टू बी लाइक दैट। आई यू नो आई थिंक हम जब बड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं और लगता है कि अब पता है, थोड़ा जेडेड हो जाते हैं, बट आई थिंक टू बी एबल टू लाइक वेक अप एवरी डे एंड से वाह ओ माय गॉड ये तो सूर्य है, ओ माय गॉड एक और दिन काम करने का मौका मिल रहा है, यू नो आज मैं फिर से अपने शो पे गया शूटिंग करने, आज एक और अवार्ड फंक्शन में आया हूँ, शायद जीत जाए। आई थिंक दैट एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी इज व्हाट आई रियली लाइक अब्सॉर्ब फ्रॉम हिम, एंड यू बीन फॉलोइंग। यार इट्स बीन एन इनक्रेडिबल राइड, इट्स माय 3rd टीवी शो एंड आई एम वेरी लकी, इन द लास्ट डेकेड आई हैव डन 3 शोज, ऑल ऑफ देम हैव बीन ब्यूटिफुल जर्नीज, बट हियर आई एम हियर टुडे फॉर माय शो नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड व्हिच इज व्हाई वी आर नॉमिनेटेड, सो उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ना सिर्फ पहला सीजन देखा था, उसके बाद मैं देख नहीं पाया था, मैं एक्चुअली रियलिटी शोज इतने देखता नहीं हूँ, तो आई एम द रॉन्ग कैंडिडेट टू आंसर दैट क्वेश्चन। एक्चुअली कुछ नहीं यार, मेरे घर में टेलीविजन भी नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू। या